हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी जिसका नाम है बैड सिस्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूजिक काफी पसंद होता है जिसकी वजह से जेसन अपनी म्यूजिक शूट करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन को मारकर ये उसके कपड़े पहन लेती है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी इसलिए जेसन और उसकी सिस्टर जोई अपने स्कूल वापस आते हैं। जेसन यहाँ अपनी प्रिंसिपल से मिलता है जिनका नाम रिबेका होता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल रिबेका को देखते हैं जो एक दूसरी टीचर सोफिया से मिलती है। सोफिया का आज स्कूल में पहला दिन था इसलिए रिबेका सोफिया को स्कूल दिखाने लेकर जाती है। रास्ते में सोफिया जेसन से मिलती है। जेसन से बात करने के बाद सोफिया अपने कमरे में आती है। हम देखते हैं कि कमरे में आकर सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन के गाने सुनती है और ये अपने लैपटॉप में ही जेसन को किस भी करती है। ये देख हम जान पाते हैं कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती है और ये किसी मकसद से ही यहाँ पर आई है। अगले दिन सोफिया क्लास में आती है। क्लास में सोफिया जेसन को एक लड़की से बात करते हुए देखती है। इस लड़की का नाम सारा होता है। इन दोनों को बात करता देख सोफिया को काफी जलन महसूस होती है इसलिए सोफिया सारा को जेसन से दूर बैठा देती है क्योंकि सोफिया खुद जेसन को लाइक करती थी। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जेसन सारा को किस कर रहा था कि तभी यहाँ पर सोफिया आती है। सोफिया इन दोनों को किस करता देख लेती है। सोफिया यहाँ काफी जलन महसूस करती है इसीलिए सोफिया यहाँ आकर जेसन को क्लास में जाने को कहती है। जेसन के यहाँ से जाने के बाद सोफिया यहाँ सारा पर गुस्सा होती है और ये सारा को जेसन से दूर रहने के लिए भी कहती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जेसन को अपने कमरे में आने के लिए कहती है। जेसन जब सोफिया से मिलने आता है तब ये यहाँ देखता है कि सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। दरअसल ये सोफिया का एक प्लान होता है ताकि ऐसा करके ये जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जेसन जब सोफिया को आधे कपड़ों में देखता है तब ये सोफिया से मिले बिना ही यहाँ से चला जाता है। ये देख सोफिया काफी खुश होती है क्योंकि इसने जो प्लान बनाया था वो कामयाब होता है। अब वीकेंड के समय जेसन अपने घर जा रहा था कि तभी सारा यहाँ जेसन से मिलने आती है। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी सोफिया इन्हें यहाँ पर बात करते हुए देख लेती है इसलिए ये सारा पर काफी गुस्सा होती है। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो कि अपने घर पर अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी यहाँ पर सोफिया आती है। सोफिया यहाँ छुप कर जेसन के म्यूजिक को सुन रही थी कि तभी जेसन को यहीं सारा का कॉल आता है। ये देख सोफिया फिर से सारा पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि सोफिया जब भी जेसन के करीब आने की सोचती है तो बीच में सारा आ जाती है। इसलिए सोफिया यहाँ पर एक प्लान बनाती है। सोफिया छुप कर सारा के कमरे में आती है और ये सारा के बुक में गांजे की पुड़िया छुपा देती है। अगले दिन क्लास में सारा अपनी बुक खोलती है तब सोफिया इसमें गांजे को देख लेती है। अब सारा के पास से गांजा मिलने की वजह से सारा को इस स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल के टीचर सभी स्टूडेंट के कमरे की तलाशी लेने हैं जिसकी वजह से टीचर को जेसन के कमरे में भी एक वाइन की बोतल मिलती है। टीचर जेसन से इस वाइन के बारे में पूछते हैं। तब जेसन कहता है ये वाइन इसकी नहीं है लेकिन टीचर जेसन की बात नहीं मानते। टीचर जेसन को भी स्कूल से सस्पेंड करने लगते हैं कि तभी सोफिया इनसे कहती है कि ये लोग जेसन को स्कूल से सस्पेंड ना करें बल्कि इन्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। इसलिए टीचर जेसन को सजा के तौर पर स्कूल में मौजूद सभी सिस्टर्स की हेल्प करने के लिए कहते हैं। दरअसल अभी जेसन के रूम में जो वाइन की बोतल मिली थी इस बोतल को सोफिया ने ही यहाँ पर रखा था। यहाँ हमें सोफिया के बारे में भी पता चलता है। दरअसल सोफिया का असली नाम लॉरा होता है
जो कि एक अमीर और साइको किस्म की लड़की होती है। एक दिन लॉरा इंटरनेट पर जेसन को सिंगिंग करते हुए देखती है, जिसकी वजह से लॉरा जेसन की दीवानी हो जाती है। लॉरा जेसन के करीब आने के लिए ये जेसन के सोशल मीडिया अकाउंट से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लॉरा को यहाँ पता चलता है कि सोफिया नाम की एक टीचर जेसन के स्कूल में आने वाली है। इसलिए लॉरा सबसे पहले सोफिया से मिलती है। लॉरा यहाँ सोफिया को मार देती है, जिसकी वजह से लॉरा खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में आती है। अब वीकेंड आ चुका था, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स अपने घर जाते हैं, लेकिन जेसन को स्कूल में ही रुकना पड़ता है क्योंकि इसे यहाँ पर साफ सफाई करनी थी। जेसन यहाँ पर काम कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर सोफिया आती है, जो जेसन की मदद करने लगती है। सोफिया यहाँ अपने कपड़ों के बटन खोलकर जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी रात जेसन अपने कमरे में सो रहा था कि तभी सोफिया यहाँ आती है। सोफिया जेसन के पास आती है तो जेसन की नींद खुल जाती है। सोफिया यहाँ जेसन को किस करने लगती है, लेकिन जेसन को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि जेसन सोफिया को अपनी टीचर मान रहा था। लेकिन सोफिया जेसन को अपनी बातों में फंसाती है, जिसकी वजह से जेसन सोफिया के साथ खपागप करता है। अगले दिन जेसन को काफी बुरा लग रहा था कि इसने अपनी ही टीचर के साथ में खपागप किया। जेसन जब अपने कमरे में नहीं होता तब सोफिया यहाँ पर आती है और ये यहाँ जेसन के कपड़ों को स्मेल करने लगती है। अगले दिन क्लास में टेस्ट होता है, जहाँ जोई को काफी कम नंबर मिलते हैं। कम नंबर मिलने से जोई काफी सैड होती है, लेकिन सोफिया जोई से कहती है कि ये टेंशन ना ले क्योंकि ये इसका दोबारा से टेस्ट लेंगी। ये सुनकर जोई काफी खुश होती है। जोई जब अपने दूसरे टेस्ट देने के लिए क्लास में आती है तब ये यहाँ पर आंसर शीट को देखने लगती है कि तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है, जो जोई को आंसर शीट देखते हुए पकड़ लेती है। दरअसल इस आंसर शीट को सोफिया ने ही यहाँ पर रखा था ताकि ये जोई को चीटिंग करते हुए पकड़ सके। सोफिया जोई को प्रिंसिपल रिबेका के पास लेकर आती है और कहती है कि जोई अपने टेस्ट में चीटिंग कर रही थी, इसलिए इन्हें स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन रिबेका कहती है कि जोई इनकी क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की है और एक छोटी सी गलती के लिए इसे स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं, जो चर्च में अपनी गलतियां बताने के लिए आता है कि तभी यहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। सोफिया यहाँ जेसन के साथ फिर से घपाघप करती है। कुछ दिनों के बाद सारा जेसन को अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है। जेसन जब यहाँ पार्टी में आता है तब सारा जेसन को किस करने लगती है। जेसन को यहाँ सोफिया के ही विजन्स आ रहे थे, इसलिए जेसन यहाँ सारा को रोकता है और पार्टी से चला जाता है। जेसन यहाँ ड्रिंक कर रहा था कि तभी एक ऑफिसर जेसन के पास आता है। ये ऑफिसर जेसन को अरेस्ट करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है। सोफिया ऑफिसर को समझाती है, जिसकी वजह से ये ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। अब सोफिया जेसन को अपने घर लेकर आती है। सोफिया यहाँ जेसन को फिर से सेड्यूस करने लगती है और ये यहाँ अपने कपड़े उतार कर जेसन को अपने साथ खपाखप करने के लिए कहती है। लेकिन जेसन को ये सब ठीक नहीं लगता और यहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन क्लास शुरू होती है। प्रिंसिपल रिबेका सारा को क्लास में लेकर आती है। सारा को देखकर सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है। सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेसन सोफिया की बात नहीं मानता और ये सोफिया के सामने ही सारा से बात करता है। ये सब देखकर सोफिया को काफी गुस्सा आता है। इसलिए रात में सारा जब अपने कमरे में नहा रही थी तब यहाँ पर सोफिया आती है, जो सारा को वॉशरूम में ही मार डालती है। इसके बाद जब सारा से मिलने जोई आती है तब ये यहाँ सारा को मरा हुआ देखती है। सारा की मौत से जेसन और जोई काफी सैड होती है। जेसन को यहाँ लग रहा था कि सोफिया ने ही सारा को मारा है, इसलिए ये सोफिया से उसके बारे में पूछता है,
लेकिन सोफिया जेसन को कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। अब वीकेंड आ चुका था, इसलिए जेसन और जोई वापस अपने घर आते हैं। घर आकर जोई जेसन को काफी परेशान देखती है, इसलिए ये जेसन से परेशान होने का कारण पूछती है। तब जेसन जोई को सोफिया के बारे में सारी चीजें बता देता है कि कैसे सोफिया इसे ब्लैकमेल कर रही है। जोई जब जेसन की बात सुनती है तब ये सोफिया के बारे में जानने की कोशिश करती है। एक दिन सोफिया जब अपने कमरे से बाहर होती है तब जेसन और जोई छुपकर उसके कमरे में आते हैं। इन्हें यहाँ सोफिया का लैपटॉप मिलता है। ये लैपटॉप असली सोफिया का होता है। इस लैपटॉप में सोफिया के कई सारी इमेजेस होती हैं। कमरे में जेसन को एक और लैपटॉप मिलता है और ये जब इसे ओपन करते हैं तब इन्हें इसमें जेसन के कई सारे फोटो देखने को मिलते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है, इसलिए ये दोनों लॉरा की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये सबसे पहले प्रिंसिपल रेबेका के पास आते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होती। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रेबेका को सोफिया के ऊपर शक हो गया था और ये सोफिया से कहती है कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता चल गया है तुम असली सोफिया नहीं हो। ये सुनकर लॉरा कुछ भी नहीं कहती और डरने लगती है। प्रिंसिपल रेबेका यूपी पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन लॉरा इन पर हमला करके इन्हें मार देती है। उधर जेसन और जोई प्रिंसिपल रेबेका को ढूंढ रहे थे कि तभी इनके पास लॉरा आती है। जोई उससे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो और हम ये बात सबको बताने जा रहे हैं। ये कहकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी लॉरा पीछे से जोई पर हमला कर देती है। लॉरा जोई को जान से मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर प्रिंसिपल रेबेका आ जाती है, जो कि काफी इंजर्ड होती है। लॉरा जोई को छोड़कर प्रिंसिपल रेबेका का गला दबाने लगती है, लेकिन जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से लॉरा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लॉरा यहीं पर मर जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसन और जोई का स्कूल कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ घर जाने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।